बात है। तो मामला बिल्कुल आसान है, डालगंज के घर के बाहर खड़ा है, वो पूछ घर के भीतर जाने में कितना समय लगेगा, कोई लगेगा बिल्कुल नहीं, आपको मुड़ना पड़ रहा है, एक कदम ही रखना हो घर के भीतर हो जाएंगे। लेकिन अगर समझ में ना आए तो फिर वो कितने भी चक्कर भला करे बाहर बाहर बाहर, तब भी वो घर के भीतर नहीं पहुँच पाएगा। तो डिपेंड करता है कितनी अंडरस्टैंडिंग और समझ के द्वारा काम करते हैं उसको। तो है बिल्कुल सरल और इसीलिए वो बड़ा कठिन भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सरल चीज है वो इसलिए कठिन हो जाती है, वो अत्यंत सरल थी, है ना। कठिन में उनको इंटरेस्ट आता है, एवरेस्ट चढ़ना है तो हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा कठिन काम है, सरल नहीं है। और जैसा मैं कह रहा हूँ निरंतर आत्मा में डूबना, जो कि बिल्कुल ही सरल है, इससे सरल कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यही सबसे ज्यादा कठिन हो गया है, तो बाहर भटकने के इतने आदि हो गए हैं कि अपने भीतर आना उनको मुश्किल लगता है। तो आपके सवाल में ये दोनों बातें हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कौन सही कौन गलत कैसे तय करें, ये तय करना प्रयोग करके ही होगा। हमको खुद को एक्सपेरिमेंट करना होगा, हम जिसकी बात हमको अच्छी लग रही वाला दिन दस में कन्विंस हों, फिर हम उसकी बात को प्रयोग करने के लिए तैयार होंगे। भीतर बोलने का जो रास्ता वो बता रहा है, हम इसकी कोशिश करेंगे। वह जो प्रयास है उसी से तय होगा उसका परिणाम क्या आता है। अगर वो आता है कि हमने वो चीज पाई पहुंचा रहे थे, उसका मतलब हमको बताया मार्ग सही था, और अगर वो हमको नहीं प्राप्त हो रही बात तो गलत था। तो हम एडवांस में तय करना संभव नहीं है। चार लोग चार प्रकार की बातें कह रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट, इसमें कोई जज नहीं कर सकता कि क्या सही क्या झूठ, कौन सच्ची बात बता रहा है कौन झूठी बात बता रहा है। हमको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना होगा। हम प्रयोगी भय या लोग के द्वारा धर्मों का जन्म हुआ है और अन्य जानवर पशु पक्षियों का ऐसा नहीं, सिर्फ मनुष्य में है, इसको भी अच्छे से समझ लें। ये धर्म वास्तविक धर्म नहीं है जो भय के ऊपर आधारित है, लोग के ऊपर आधारित है। अधिकांश धर्मों में आप देखेंगे जिनको हम तथाकथित धर्म करते हैं कहते हैं उसको सोकांड रिलीजन कहूंगा या नॉट रियल रिलीजन, डर के ऊपर आधारित है कि ऐसा ऐसा करो नहीं तो दंड मिलेगा, पाप हो जाएगा, नरक जाओगे, फिर नरक का वो विस्तार से वर्णन करेंगे किस किस प्रकार से सताए जाओगे, ये अपना लेंगे 84 लाखों में घट हो गए कीड़े मकोड़े दोनों थे, और अगर उनकी आज्ञा मानी उनके कमांडमेंट्स मान के चले तो फिर लोग है तो पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग इज्जत देंगे, मरने के बाद फिर स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ईश्वर के निकट पहुँचोगे, वहाँ बड़े सुख हैं। तो लोग या भय, जैसे अपनी कानून व्यवस्था है इसी पर आधारित है, सरकार और समाज भी इसी पर चलते हैं कि अगर किसी ने सरकार की नहीं मानी समाज की नहीं मानी तो समाज उसको दंड देगा, एक दंड उसकी बेइज्जती करेगा, अपमान करेगा, फिर भी नहीं मानेगा तो कानून के अनुसार जेल भिजवा देंगे, जेल में खींच देंगे, सजा देंगे। अगर उसने समाज की मान के चला सरकार के नियम अनुसार चला तो पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, अपवादों को भारत रत्न का पुरस्कार मिलेगा, पद्म श्री मिलेगी। अगर वो नियम से चलता है तो नोबेल प्राइज मिलेगा, समाज के हित में वो कार्य करता है। तो बड़े ही पुराने समय में यह बात धर्मगुरुओं ने भी पकड़ ली थी, जो माता पिता करते हैं अपने बच्चों के साथ। आप लोग इतने बैठे हैं यहाँ पर, आप सब इस बात को देखते होंगे अपने घर में परिवार में, बच्चे नियंत्रण में नहीं आ रहे, उनको कैसे नियंत्रण में करें। माता पिता को दो ही ट्रिक समझ में आती है, या तो उनको डराओ धमकाओ, अगर तुमने हमारी बात नहीं माने तो फिर ऐसा करेंगे, या इनको लोभ दो कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे इतने नंबर आ जाएंगे तुम साइकिल खरीदते रहेंगे, अगले बार सब तुमको मोटरसाइकिल लगा देंगे, या तो प्रलोभन में। तो उस लड़के को किताब में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मोटरसाइकिल उसका ही नहीं है, बिना पढ़े मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तो मजबूरी में पढ़ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मजबूरी में आपको क्या करें, मोटरसाइकिल तो चाहिए, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है। या फिर दंड की बात है कि अगर पास नहीं हुए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये फैसिलिटीज बंद हो जाएंगे। तो भय या लोग, ये दो चीजें माता पिता अपने बच्चों के साथ अपना के उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनको अपने आदेश अनुसार चलाने के लिए, यही चीज राजनेता कर रहे हैं, यही चीज कानूनविद कर रहे हैं, यही चीज समाज के ठेकेदार कर रहे हैं, और यही चीज हम जिनको धर्मगुरु और महात्मा कहते हैं वो कर रहे हैं। ना ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है, ना कोई ऐसा लगन, उनको प्रलोभन देने के लिए आज तक इन कल्पनाओं का उपयोग किया जाता रहा है। तो कुछ
लोग हैं जो आपके जेल से भी नहीं डरते, कानून से भी नहीं डरते, न्यायालय से भी नहीं डरते, फिर भी वो अपराध किए जा रहे हैं, अब उनको कैसे डराओ। तो एक और बड़ा कागज रख उन्होंने खोजा है कि मरने के बाद ठीक है यहाँ तो छोटी मोटी सजा मिलेगी मिलेगी, फाइनली अंत में बहुत सताएगा अभी नगर में। आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, सोचता है कि चलो भैया इसे तो कह रहा है सीतम, इसे नम में कोई सत्कर्म कर रहा है मान लो, और फिर भी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तब धर्मगुरु एक चालाकी भरी डिवाइस खोल ली उन्होंने स्वर्ग। कोई आदमी कहेगा मैं तो बड़े सत्यतापूर्वक जी रहा हूँ, जैसा आप कह रहे थे वैसे आचरण करता हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। जो अन्यायी है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है वो मजे में रह रहे हैं, और मैं सदाचारी हूँ मिल नहीं रहा। अब इसको कैसे कंसोल करें, सांत्वना दें, इनके लिए फिर स्वर्ग हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात यहाँ मुगर लो, बाद में तुम देखो कि भ्रष्टाचारी बड़े नरक में कड़ाहों में से जलाए जा रहे हैं, अग्नि में भूने जा रहे हैं, और तुम स्वर्ग में बैठे हुए। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और उसका कारण ये है जब तक हम चाहेंगे होंगे बचकाना व्यवहार करेंगे तब तक हमारे जो कंट्रोल करने वाले हैं पेरेंट्स या जो भी फादर फिगर हैं, चाहे समाज के ठेकेदार, चाहे राजनेता, चाहे धर्मगुरु, वो भी एक प्रकार के फादर फिगर ही हैं, वो कंट्रोल करने की ये लोग इतना अपनाते रहे हैं। तो जब तक आम जनमानस चाइल्डिश व्यवहार कर रहा है बच्चों जैसा, तब तक उसको इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जब लोग मैच्योर हो जाएंगे, ज्यादा परिपक्व, ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, ब्रॉड हो जाए, फिर इस प्रकार से उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और यही कारण है जहाँ जहाँ विज्ञान विकसित हो गया, शिक्षा विकसित हो गई, लोगों का आर्थिक लेवल बढ़ गया, वहाँ धर्म की पकड़ धीरे बढ़ने लगी, चर्च और सिनेगा धीरे धीरे खाली रहने लगे, नहीं आते लोग ज्यादा बुद्धिमान होगा, उनको समझना है ये तो चाला की मेरी बात है, क्या प्रमाण है स्वर्ग का, क्या प्रमाण है नरक का, किसने देखा, पूरी बकवास कर रखी है। तो जैसे जैसे लोग ज्यादा शिक्षित होते जाएंगे, ज्यादा वैज्ञानिक बुद्धि के होते चले जाएंगे, वैसे वैसे धर्म ढीले पड़ते जाएंगे, इनकी पकड़ खत्म होती जाएगी। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आज तक के धर्म जो है विधाय और लोक पर ही आधारित रहे हैं, और उसका मनोविज्ञान मैंने आपको समझाया है ऐसा क्यों। भविष्य में निश्चित ही इस प्रकार के धर्म नहीं बचेंगे, क्योंकि नए प्रकार की जिसको मैंने चेतना का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ द सोल, अध्यात्म जिसको हम कहें, स्पिरिचुअलिज्म नॉट रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज संस्था, कहते हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये है ऑर्गेनाइज चर्च, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो समाज नहीं है। मनुष्य एकमात्र सामाजिक प्राणी है, जानवर स्वतंत्र हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, जैसे वो बड़े हुए चलने फिरने लायक, अपना खाना पीने लायक, वो इंडिपेंडेंट हो गए, माता पिता का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो चिड़ी का बच्चा जहाँ उड़ना सीख गया, दो चार दिन और अपने माता पिता के निकट रहेगा, गायब हो जाएगा, लौट के कभी इनके पास नहीं आएगा। तो ना तो माता पिता पिता को कंट्रोल करना पड़ता है अपने बच्चों को, ना बच्चे उनके निकट होते हैं, ना ही समाज की कोई व्यवस्था है, ना कोई परिवार की व्यवस्था है, वहाँ नियंत्रण का सवाल नहीं है। तो वहाँ परिवार भी नहीं चल रहा, राजनीति भी नहीं आई, और वहाँ इस प्रकार के चालाक धर्म है ये भी नहीं आए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और बात है जो कॉन्टेक्स्ट में वो मृत्यु के प्रति जागरूकता, पशु जीवित तो है, आसपास अन्य पशुओं को मरते हुए देखते हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल कभी नहीं आता कि मैं भी मरूंगा।